कुक्षी से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित नानपुर की मशहूर दरगाह हजरत नौगज पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर उर्स के मौके पर शानदार कव्वाली की महफिल का आयोजन सार्वजनिक उर्स कमेटी द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल हाजी मुकर्रम वारसी भोपाल और सरफराज साबरी द्वारा बेहतरीन कलाम पेश किए गए, जिसमें सामईन ने कलाम सुनकर बहुत लुत्फ उठाया। प्रोग्राम के बाद मुकर्रम वारसी साहब ने चैनल को इंटरव्यू भी दिया है। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। भाई साहब, हम नहीं कर पाएंगे, और जो लोग अदब के दायरे में काम कर रहे हैं उनको तो हमारा सलूट है। वो बहुत सी हमारे पास लिस्ट है, और सूफियाना में जो आपने कहा कि कुछ दो चार पांच लोग हैं, हाँ तो वो दो चार पांच लोग हैं जो लबे फहरिस्त पर हैं, जैसे उस्ताद सलीम जनकार साहब हैं, शाहिद नियाजी साहब हैं, और हमारे दिल्ली के चांद निज़ामी साहब हैं, सुल्तान नियाजी साहब हैं, और आमिर आरिफ हैं, और भी मेरे पास इनकी लिस्ट है बहुत, क्योंकि वो तो एक तवील एक लिस्ट, आपको एक इंटरव्यू अलग से लेना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान में जो लोग खानकाई निज़ाम से कर रहे हैं, हमारे देवर शरीफ के कव्वाले अफ़ान हैं, शावेज़ हैं, और मेरे पीर भाई असलम अकरम, ये सब अदब के दायरे में काम करने वाले लोग हैं, और जितने भी दूसरे दीगर लोग हैं, तो उनसे भी मेरी ये मुतबाना दरख्वास्त है कि वो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें कि अगर महफिल में यानी स्टेज प्रोग्राम में ही होता है, समा में तो होता नहीं, खानकाहों में तो होता नहीं है, स्टेज प्रोग्रामों में होती है, जितनी होडिंग होती है, उड़दंग होती है, तो वो गाना रोक दें, और बिल्कुल वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि साहब या तो आप इसको खत्म कर दें या हम अपना गाना खत्म कर दें। अच्छा, होगा क्या ज्यादा ज्यादा आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है एक प्रोग्राम नहीं सही, लेकिन आप वहां से कूच कर जाएं, और आप बिल्कुल ये कह के जाएं कि जब तक आप अपना माहौल सही नहीं करेंगे हम यहाँ दोबारा हाजिर हैं। भाई साहब, बस एक सवाल आखिरी है, आपके बीच हम आए हैं, और इस बार आपको धार की जो शहंशाह माला मालवा हजरत ख्वाजा कमालुद्दीन चिश्ती की जो नगरी है धार, जहां पर एक तरह से ये कहा जाता है कि वहां कव्वालों का इम्तिहान रहता है, और आपने जब वहां पर कलाम की अपनी प्रस्तुति दी तो वहां सामईन ने आपको बहुत ही पसंद किया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? साहब, ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है, ये बहुत बड़ी बारगाह है। हजरत ख्वाजा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर करीम नवाज के खलीफाओं में से हैं, और ये उनकी मेहरबानी है ख्वाजा साहब की कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलवाया, और मैं बखुदा यही बात जो आपने मुझसे सवाल करा है, बाकी कव्वाली की कसौटी है धार जो है, वहाँ पर हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ बड़े से बड़े फनकार वहाँ पहुँच गए, मगर अल्लाह जाने कि मुझ जैसे छोटे फनकार को वहाँ कैसे तलब कर लिया, और उन्होंने पसंद भी फरमाया, जबकि मैं उस स्टेज के लायक बिल्कुल नहीं था, आज भी नहीं हूँ, ये उनकी मोहब्बत है, वहाँ की कमेटी की मोहब्बत है, उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से सराहा, तमाम लोगों के लिए मेरे लिए दिल से शुक्रिया है, धार की आवाम के लिए भी, और मैं बस दुआ करता हूँ कि धार जैसी महफिलें तमाम हिंदुस्तान में होती रहें, और मेरी दुआ है कि जिक्र अहले बैत और जिक्र रसूल और तमाम इंसानियत का पैगाम खानकाहों से जारी और सारी रहे। माशाल्लाह, चलिए ये थे हमारे बीच में हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ कव्वाल जनाब हाजी मुकर्रम साहब, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, यह हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। सैयद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इस लायक समझा और हमें वक्त दिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। SW24 न्यूज के साथ जय हिंद। मुस्लिम कम्युनिटी आपको पसंद करती है, उतना ही हमारे हिंदू भाई भी आपको पसंद करते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से एक बात खास तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी एक मशहूर कलाम है छाप तिलक, तो उसमें कई बार आपकी कव्वालियों में हमने ये जिक्र सुना है कि आपने आपकी महफिल में एक कोड़ को बुलाया और वहाँ पर उसके साथ में होली खेली, और आपने मतलब कई बार आपने स्टेज से ये एक पैगाम देना चाहा कि मजहब की बेड़ियाँ हमें कभी आपस में बांध कर नहीं रख सकती है, क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने सबको साथ में लेकर रखा है, तो इस बारे में आप कुछ खुलकर हमें बताइए। देखिए, आपने जैसा कि मुझसे पूछा है, और मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका ये चैनल SW24 मध्य प्रदेश का बड़ा जाना माना चैनल है, मैं दुआ करता हूँ मौला से कि मौला इसको और उलझा फरमाए। बड़ा अच्छा सवाल करा आपने। असल में हम जिस नबी को फॉलो करते हैं, जिस नबी से हमें कुरान मिला, जिस नबी से हमें अहले बैत मिली, सहाबा मिले, उस नबी के ज़रिए हमें जो कुरान मिला है, वो कुरान जहाँ से शुरू होता है उसको आप अगर आप देखें तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तमाम आलम का रब है, वो तमाम आलम का पालनहार है, तो वो तमाम आलम का पालनहार है, तो उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, सिख भी हैं, हम खुद भी हैं। तो जैसा कि मैंने अभी इससे पहले के सवाल में भी आपसे कहा कि हमें मोहब्बत का पैगाम देना, आप अगर अहले बैत से जुड़ेंगे तो यकीनन आपसे हर कौम मोहब्बत करेगी। वो जोश मलियाबादी का एक शेर बड़ा मशहूर ज़माना है
कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अगर आज हिंदू लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? वो ये देख रहा है ना कि ये इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं, और मेरा पैगाम क्या है? हुसैनियत का पैगाम। तो करबला अगर आपके समझ में आ जाएगी तो आपकी इंसानियत भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मौला नाम हुसैन ने अगर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए कुछ करा होता तो दूसरी कौम उनसे मुतासर कभी नहीं होती। उन्होंने इंसानियत के लिए, रसूलुल्लाह दुनिया में इंसानियत के लिए तो आए। रसूलुल्लाह का कौल क्या है? जब आपने नबूवत का ऐलान करा है, जब आपने ऐलान नबूवत करा है, तो सबसे पहले जो उसमें जो एक बात है वो गौर करने वाली बात है, हो सकता है लोग गौर नहीं करते हो, आपने मुखातिब जो करा है, और मैं बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूँ, हर नबी का ये रहा मामला कि उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, ए मेरी बस्ती वालों, ए मेरे महल्ले वालों, यानी एक तबके के लिए। लेकिन रसूल अल्लाह ने आके क्या फरमाया? ए इंसानों। तो जब रसूल अल्लाह ने जब इंसान की बात करी कि ए इंसानों, तो फिर समझ में आ जाती है बात कि रसूल अल्लाह तमाम दुनिया के इंसानों से मुखातिब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।